हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि आपको ज़रूर ऐड करने चाहिए अगर आप जिम जाते हो, आपका गोल है अच्छा मसल बिल्ड करना और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो अगर आप ये वीडियो पूरे देखें तो आपको समझ आएगा कि सारा गेम है क्या असल में। सो वीडियो में बने रहो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन हमारा क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है मैं बताता हूँ। वे प्रोटीन असल में बात क्या है कि हम जैसे ही जिम में जाते हैं, जिम में हम मसल को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम जब फिल करते हैं, उसको जब हम मसल को तोड़ी हुई मसल को दोबारा जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम वे प्रोटीन से लेते हैं। हमें वे प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए बट कुछ लोग गलती करते हैं, उसे दूध के साथ लेते हैं। दूध के साथ कभी भी वे प्रोटीन का कोई भी मेल नहीं है। सही बात है कि वे प्रोटीन आपको पानी में लेना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही दूध से निकला हुआ है, वो दूध में मिक्स ही नहीं होगा अच्छे से, उसमें लम्स बन जाते हैं। सो कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन ख़राब है, प्रोटीन सारे ही लगभग सही होते हैं लेकिन उसमें अगर आप पानी में मिला के लेंगे उसे तो वो काफ़ी अच्छी फॉर्म है। आपको एक प्रोटीन से कम 24 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्योंकि उसके आप मसल को दोबारा जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कोई सी भी कंपनी अगर ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। सो वे प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा क्रिएटिन। क्रिएटिन हमें कौन सा लेना चाहिए? क्रिएटिन का बहुत सारे मिथ हैं यार कि किडनी विडनी स्टोन ये वो, पर किडनी से ऐसा कुछ नहीं होता। असल में इसकी मोनोहाइड्रेट जो फॉर्म है क्रिएटिन की वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सो आपको ये किस तरीके से लेनी है? आपको ये लेनी है सबसे पहले 5 ग्राम से आपको शुरू करना है, फिर 5 ग्राम आपको लेना है वर्कआउट से पहले और 5 ग्राम लेना है वर्कआउट के बाद, जिससे आपका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है इससे। और आप जो मसल में जो एक्सेस वाटर होता है वो इस क्रिएटिन होल्ड कर लेता है जिसकी वजह से मसल पंप ज़्यादा आता है और मसल साइज़ बढ़ाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये मिथ भी है कि क्रिएटिन गर्ल्स यूज़ नहीं कर सकती, तो भाई गर्ल्स यूज़ करती हैं, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी गर्ल्स इसको करती हैं तो गर्ल्स ले सकती हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारा ऐसा सप्लीमेंट जो कि नॉर्मली काफ़ी यूज़ होता है, वो है मल्टी विटामिन। अब ये नहीं कि आप मल्टी विटामिन लेने पहुँच जाओ किसी सप्लीमेंट स्टोर पर तो ये बेवकूफ़ी है एक तरीके की, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए बहुत सारा पे कर रहे हो जबकि आपको वो एक नॉर्मल से एक मेडिकल स्टोर में मिल सकती है वो चीज़। अगर आप मेडिकल स्टोर से ये चीज़ लें, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी ज़रूरत के सारे उसमें मल्टी विटामिन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। मल्टी विटामिन हमारे शरीर में ये काम करते हैं कि वो हमारी जो मसल जैसे ब्रेक डाउन होती है तो जो जो हमारे विटामिन की कमी हो जाती है मसल में उसको पूरा करती है, जिससे आपकी मसल साइज़ सही रहता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। फोर्थ नंबर पे लास्ट सप्लीमेंट हमारा है BCAAs। BCAAs ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, इसमें 3 अमाइनोज होते हैं हमारे, जिससे हमारी एकदम से पिक पावर बढ़ती है, हम ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं इससे। और इसको एक तरीके का प्री वर्कआउट है ये, और इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलती है मसल बिल्डिंग में। और अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे हैं तो EAA में आपको करूँगा क्योंकि EAA में क्या होता है कि हमारे 9 एसिड होते हैं, अमाइनोज होते हैं उसमें। EAA होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि BCAA से काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और आप इसको एक प्री वर्कआउट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छी मसल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। तो सभी सप्लीमेंट के बारे में मैंने बता दिया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।